डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। इस पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड, ये जो सर्किट बना हुआ है इस पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड क्या क्या इक्वेशंस हो सकते। तो यहां पे मैं आई लिखूंगा, यहां पे मैं भी आई लिखूंगा क्योंकि आई करंट यहां से आएगा, यहां पे आई करंट ऑलरेडी इस बात का डिस्कशन पहले दो क्लासेस में हो चुका है। तो इस क्लास में हमें पढ़ना है कि अलग अलग इक्वेशंस जो हैं आप किस तरीके से उसे आप किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, क्या प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होगा, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखने की कोशिश करोगे। पहली जो प्राइमरी इक्वेशन है जो पिछले मॉड्यूल में आई थी इक्वेशन, वो है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। पिछली दो क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो ई होता है वो होता है आपका ई एम एफ, ई आपका ई एम एफ होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है, यूनिट होती है आपकी वोल्ट, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो है ही हमारे पास, हम लोग पढ़ चुके हैं। आर के बारे में पढ़ चुके थे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बारे में पढ़ चुके थे। एक और नई चीज जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो होगी वी इज इक्वल टू आई आर। पिछली क्लास में जैसे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वी कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, तो हमें मिलेगा यहाँ पे वी। बहुत सिंपल सी बात, आई और आर के प्रोडक्ट को करते हैं मल्टीप्लाई तो वी होगा, वी होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो एनर्जी मतलब वो वर्क डन जो सेल के बाहर होता है, वर्क डन किसके अक्रॉस, क्योंकि जब करंट जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन नाम की चीज होगी, कुछ एनर्जी टाइप का लॉस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं। इसकी बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, अब बाकी की बातें। मैथमेटिक्स कहती है कि आप चीजों को ऐसे लिख सकते हो और इसको अगर आप ऐसे कर दो तो ये आपका टर्म आ जाएगा, वही गलत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। और अगर ना लिखो ऐसे तो फिर मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हाँ चीज़ों को देखने का नजरिया है कि कैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं। अब जैसे ये है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और यहाँ पे उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, आपके पास ये आ गई इक्वेशन। तो मैं इसको हाईलाइट करने से चूकूंगा नहीं और इसको भी हाईलाइट करने से अपने आप को रोकूंगा नहीं, और ये तो है ही आपके पास। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन यहां पर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है ये किस मोड पे चल रही है, तो बड़े बड़े अक्षरों में यहां पे लिख दे रहा हूं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है जब करंट बाहर आता है, जब बैटरी से करंट आप खींच रहे होते हो, यूज कर रहे होते, इस्तेमाल कर रहे होते हो किसी सर्किट में, जब आप अंदर नहीं बाहर खींच रहे हैं आप उसको, वही चीज जैसे आपके आप घर में हो, स्कूल जाना है तो घर से निकलोगे निकलोगे, शाम ही को वापस जाओगे, अगर उस दिन कुछ स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ तो चलिए यहाँ पर आ गए, हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, या V इज इक्वल टू ई माइनस आर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आप ये कह सकते हो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो वन, ऐसे बोल सकता हूं 101%। दोनों इक्वेशन से एक साथ यूज करी जाती तब काम होएगा। हाँ यहां पर क्या करेंगे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें चेंज करने जा रहे क्योंकि वो भी चीज जरूरत होती, पूरा आखिरी में पता चलेगा कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ एक आध करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा E माइनस वी
मैंने लिख दिया इसको उधर लेके और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इन टू आर, मैंने इक्वेशन 30। सिंपल मैथमेटिक्स। अब मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आर को ऐसे रखना हूँ और इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है, तो ये इधर की तरफ, क्योंकि अब मैं ऐसे ही कुछ इधर बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आई को सब्जेक्ट ऑफ ओमेगा बना के ई माइनस वी अपॉन क्या करने जा रहा हूँ यार, मैं सिंपल से ऐसे लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ मैंने आई को सब्जेक्ट और कुछ नहीं किया। ये इक्वेशन जो है आप कहोगे सर कहाँ, तो ये एक डेरिवेशन में यूज होती है, तो यूटिलिटी में ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डेरिवेशन में यूज होगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा आगे उसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन करने, आप जैसे यहाँ पे आई, अगर मैं ये बोलूँ आई तो वहाँ पे लिखा हुआ आई ये, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, आई की जगह क्या लिख सकते हैं जरा देखो ध्यान से, मैं आई की जगह वी अपॉन आर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे सही में वी अपॉन आर। तो अगर आप रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट के बारे में बात करें, तो मैं इस रिजल्ट को इधर की तरफ ड्रॉ आउट कर रहा हूँ, यहाँ इधर की तरफ ऐसे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा ई माइनस वी, ऐसे लिखा, ये आर ऊपर चला गया और यहाँ पे वी जो है वो नीचे रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे कर दो ई अपॉन वी माइनस वन, तो आपके पास ये एक और इक्वेशन आ गई, एक और रिजल्ट आ गया ये इनफैक्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये भी एक फॉर्मेट है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये भी एक फॉर्मेट है, ये जो लिखा हुआ है, तो किधर लिखना सही होगा, नंबरिंग करना इधर, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। हाँ, अब जो आपके पास कुछ और चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लूँ यार, कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए मुझे, और मैं कहाँ पे सही जगह मिलेगी मुझे जहाँ पे मैं अच्छी तरह से बात कर लूँगा। हाँ, मैं यहीं कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 फिर से लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, 3 है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा ई वी आई फिर आर और फिर आर, कितनी चीज़ें लिख दी मैंने, 5 चीज़ें लिखें। ये इस टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस इक्वेशन देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 4 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक चीज़ नहीं। यहाँ पर जा देखिए, 1 2 3 4 मतलब नहीं है, देखिए 1 2 3 यहाँ पर ये इसकी बात नहीं। अगर आप इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ई है, वी क्या नहीं है, आई नहीं है, ब्यूटी है यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो, इस तरह यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर के बारे में बात करें तो ये खूबसूरती है इस इक्वेशन के बारे में, जहाँ पर डिस्चार्जिंग मोड के बारे में, कि यहाँ पर जब आप इक्वेशन यूज करते हैं तो 5 चीज़ें होती हैं, 5 में से 4 का इस्तेमाल होता है। जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे, इक्वेशंस आएंगे, तो देखिए इस टॉपिक में इक्वेशंस का ही मेन रोल है, इक्वेशंस कैसे आती समझ में आना चाहिए।